फ्रेंड्स वेलकम इन केमिस्ट्री शिक्षा क्लास। आज का हमारा जो वीडियो है वो केमिकल काइनेटिक पे जेई नीट में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं उसके ऊपर आइए अपन प्रैक्टिस करते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन बिकम डबल, ध्यान दीजिएगा, डबल फॉर एवरी 10 डिग्री रेज इन टेम्परेचर। इफ द टेम्परेचर इज रेज बाई 50 डिग्री द रेट ऑफ रिएक्शन रेज अप टू कितनी बढ़ेगी। और आपको मैंने कहा था ऐसे क्वेश्चन बहुत कई बार आपके जेई नीट में आते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट है। अपन ने थ्योरी वाले वीडियो में भी इसको हाईलाइट किया था। यस, सॉल्व करिए बच्चों जल्दी से। ऑप्शन ए 10 टाइम्स, ऑप्शन बी 24 टाइम्स, ऑप्शन सी 32 टाइम्स और ऑप्शन डी 64 टाइम्स। यस, जल्दी सोचिए वीडियो पॉज करके क्या करेक्ट ऑप्शन हो सकता है। आपको 50 डिग्री तक बढ़ाना है, ईच एवरी 10 डिग्री पे 2 टाइम्स हो जाती है। यस यस बच्चों, सॉल्व कर दिया, जल्दी से बताइए कैसे सॉल्व किया आपने आंसर। द करेक्ट आंसर इज सी 32 टाइम्स। यस, कैसे हुआ वो देखिए, आपके पास में दो तरह की रेट है, एक दो टेम्परेचर पे अलग अलग रेट है। तो एक तो आपका 50 डिग्री जो आपको चेंज करना है और इनिशियल आपका T1 और अप टू कितना हो रहा है, जस्ट डबल, ठीक है, ये 2 हो गया। ओके, अब इस 2 के ऊपर पावर में ले लीजिए ये वाला, इनिशियल कितना ईच 10 डिग्री और ये आपका कितना हो गया 50। शॉर्ट ट्रिक बिल्कुल 2 5, तो 2 की पावर 5 आप देखेंगे तो कितना आ जाएगा 32 इज करेक्ट आंसर। यस स्टूडेंट्स, नाउ सेकंड क्वेश्चन, द टाइम रिक्वायर्ड टू 100% कंप्लीशन ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ये दोनों ही जेई के क्वेश्चन है बच्चों। यस, जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज, चलिए सोचिए, ऑप्शन ए 2k अपॉन ए, ऑप्शन बी ए अपॉन 2k, ऑप्शन सी ए बाई के, ऑप्शन डी ए के। 100% कंप्लीशन करना है, यानी कि पूरा का पूरा कंसेंट्रेशन आपका ए से एक्स बन गया है। तो आपको जीरो ऑर्डर का फॉर्मूला याद होगा बच्चों। यस, फाइनल क्या था उसके अंदर, के इक्वल टू अपन क्या एक्स बाई टी, और चूंकि आपकी पूरी कंसेंट्रेशन 100% कंप्लीट की ए और एक्स ऑलमोस्ट इक्वल हो गए तो आपके पास में टी इक्वल टू आ जाएगा ए के। सो द सी ऑप्शन इज करेक्ट। यस स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन इज 6.93 मिनट्स, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ 99% रिएक्शन विल बी, कितना टाइम चाहिए। अगर आपको याद होगा बच्चों ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए अपन क्या करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला याद करो जल्दी से, फटाफट देखो क्या होता है, के टाइम निकालना ना आपको, तो टी इधर ले लीजिए, टी इक्वल टू क्या था 2.303, के यहां आ जाएगा लॉग बेस ए अपॉन ए माइनस एक्स, यही फॉर्मूला होता है। और मैंने कहा था जब भी हाफ लाइफ के रेस्पेक्ट में कोई भी हो तो हमेशा हाफ लाइफ से आपका के कोरिलेट हो जाएगा। तो फर्स्ट लाइफ हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या होता है, यस जल्दी सोचिए। यस बच्चों, टी हाफ इक्वल्स टू क्या होता है 0.693 अपॉन के। तो इस के अपन को गिवन नहीं क्वेश्चन के अंदर, तो के की जगह टी हाफ गिवन है, के को यहां ट्रांसफर कर दो अब, तो के आपका यहां आ गया, तो यहां टी हाफ, टी हाफ कितना है आपके पास में, तो टी हाफ ये रहा, तो इसकी जगह लिख दो 0.693, ठीक है, ये वैल्यू जो होगी वो इसमें प्लेस कर दीजिए। तो टी इक्वल्स टू 2.303 और ये देखो फटाफट सॉल्व हो रहा है, ये यहां पे ले लीजिए 0.693, ये ऊपर चला जाएगा तो 6.93। अब बात रही लॉग की, लॉग में एक ही था 99%, तो स्टार्टिंग 100 मान ले और नीचे आ जाएगा 100 माइनस 99, तो नीचे 1 ही बचेगा और लॉग 100 मतलब 10 to the power 2, ओके 10 to the power 2 आगे आ जाएगा, लॉग 10 का 1 कर दीजिए सीधा सीधा और इसको मल्टीप्लाई करके आप आंसर को, ये आपस में कट जाएंगे बस खाली डेसिमल का फर्क रहेगा। यस, इसको जब पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 46.06। सो द ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है, बस ये दो फॉर्मूले इसमें प्लेस करने, इस बात का ध्यान रखना है और कैलकुलेशन आपकी फर्स्ट होनी चाहिए। वो द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर मोस्ट ऑफ रिएक्शन, जो लगभग सब रिएक्शन की जो इन जनरल रिएक्शन 50 केल्विन पर जूल और पर मोल, द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर कॉफिशियंट फॉर द सच रिएक्शन, आपको याद होगा स्टूडेंट आरएनएस से टेम्परेचर डिपेंडेंट था, तो उसमें अपन क्या कहते थे कि टेम्परेचर कॉफिशियंट जो होता है वो हमेशा इनिशियल टेम्परेचर जितना है T1 उसका प्लस 10 करते हैं तो रेट कांस्टेंट जस्ट डबल हो जाता है। और इस वक्त जो एक्टिवेशन एनर्जी अप्रोक्स जो होती है वो 50 K आपका 50 किलो जूल जो हो जाएगी वो आंसर हो जाएगा, यानी कि अप्रोक्स डबल पे लगभग इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है टेम्परेचर कॉफिशियंट के लिए। यस बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, इन आरएनएस इक्वेशन द इंटरसेप्ट
इक्वल टू यस आरएमएस इक्वेशन याद करिए जल्दी से फटाफट। फर्स्ट क्वेश्चन होना चाहिए बच्चों, आरएमएस इक्वेशंस क्या होती है, के इक्वल्स टू ई एप्सिलॉन सी ए अपॉन आर टी, इससे ग्राफ खींच लीजिए। ठीक है, यहाँ पे आपको याद होगा इंटरसेप्ट ये आया था, इधर अपन नेचुरल लॉग के और इधर अपने वन टाइम लिया था, तो ये आपका इंटरसेप्ट में नेचुरल लॉग ए आता है। सो द ऑप्शन बी नेचुरल लॉग ए, यानी कि एक्सपोनेंशियल फैक्टर जो होता है वो इसके इंटरसेप्ट से सॉल्व होता है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। यस स्टूडेंट्स, अब कुछ क्वेश्चन नीट और एम्स से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर वन, व्हेन इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डबल्ड इन रिएक्शन इट्स हाफ लाइफ पीरियड इज नॉट अफेक्ट, ध्यान दीजिएगा नॉट अफेक्ट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस इज, इनमें से कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा, कंसेंट्रेशन तो डबल हो रही है लेकिन वो आपके हाफ लाइफ पीरियड पे नॉट अफेक्टेड, ध्यान रखिएगा कंसेंट्रेशन नॉट अफेक्टेड जब भी वर्ड आता है तो आपको याद होगा बच्चों फर्स्ट ऑर्डर ही एक ऐसी रिएक्शन है जिसके अंदर ए इनिशियल कंसेंट्रेशन पे कोई वैल्यू डिपेंड नहीं करती, इसलिए सेकेंड बी ऑप्शन, थर्ड सी ऑप्शन जीरो और डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा फर्स्ट, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर में आप देखिए चाहे हाफ लाइफ हो चाहे अपना नॉर्मल फॉर्मूला भी के इक्वल टू 2.30 अपॉन टी लॉग बेस ए अपॉन ए माइनस एक्स, तो वो इनिशियल कंसेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगी, स्पेशली हाफ लाइफ जो होती है वो आपका टी हाफ इक्वल टू 0.693 अपॉन के होता है तो वो डिपेंड नहीं करेगी, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी। अब आपका क्वेश्चन नंबर टू, रिएक्शन इज 50%, ध्यान दीजिएगा 50% जब भी आता है बच्चों, मैं बार बार हमेशा कहता हूं 50% आते ही क्योंकि वो टी हाफ से रिलेटेड जा रहा है और टी हाफ मोस्टली आप देखेंगे बच्चों 0.693 के का वेरी फेमस फॉर्मूला होता है, तो आपका 50% कंप्लीटेड इन 2 आवर्स एंड 75% कंप्लीटेड इन 4 आवर्स, तो देखो 50 से 2 आ रहा है और 75 से कितना आ रहा है, तो टी हाफ 75% इक्वल्स टू 2 into t half 50%, तो इसका जब आप सोल्यूशन निकालेंगे तो आपका आंसर वन आ जाएगा, तो ऑप्शन ए यानी कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी। ये सारे क्वेश्चन आपके नीट एम्स में आए हैं बच्चों। द स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, ध्यान दीजिए रेट कांस्टेंट के ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डिपेंड्स ऑन दी, यानी कि इस पर डिपेंड करेगी यस के, जल्दी करिए बच्चों बताइएगा, द स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट कभी भी कंसेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा, तो कंसेंट्रेशन रिएक्टेंट कंसेंट्रेशन प्रोडक्ट टाइम कोई भी, तो आंसर क्या होता है कॉन्स्टेंट हमेशा टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, तो टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। यस स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन नीट एम्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 4, द यूनिट ऑफ रेट कॉन्स्टेंट सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन यूजली एक्सप्रेस, इनमें से कौन सी यूनिट जो है वो सेकेंड ऑर्डर्स की, याद होगा स्टूडेंट मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि अभी आप सेकेंड ऑर्डर याद मत रखो, आप हमेशा जीरो ऑर्डर की यूनिट याद रखो, उसका अपोजिट करना। जीरो ऑर्डर का मैंने फॉर्मूला क्या बताया था आपको, के इक्वल टू एक्स बाई टी होगा, तो इसमें क्या आ जाएगा कॉन्क इंटू सेक इनवर्स, ठीक है सेक इनवर्स, तो कॉन्क की जगह क्या लिख सकते हैं मोल वन और लीट इनवर्स और सेक, ये आपकी कौन सी आ गई जीरो ऑर्डर की। अब इसको अपोजिट कर दो, ये माइनस का कर दो, मोल इनवर्स लीटर प्लस का कर दीजिए और सेक आपका इनवर्स ही रहेगा, तो आप देख लीजिए मोल इनवर्स और लीट वन किस में आ रहा है, तो मोल इनवर्स और लीट वन देख लीजिए, बाकी आपका कोई भी मैच नहीं हो रहा है, सो द ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो हमेशा जीरो का याद रखो, सेकंड अपना आप जस्ट अपोजिट होती है और फर्स्ट का तो याद रखने जरूरत ही नहीं क्योंकि उसमें सीधा सेकंड इनवर्स ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज 15 आवर्स, इट्स डिसइंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट, डिसइंटीग्रेशन को अपन डी के कॉन्स्टेंट भी बोलते हैं, डी के कॉन्स्टेंट जिसको अपन के कहते हैं, ठीक है। अब देखो बच्चों मैंने कहा था रेडियो एक्टिव, अपने जब सीरीज चैप्टर के अंदर केमिकल एनालिटिक चैप्टर किया उसमें मैंने कहा था जब भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस आए तो हमेशा फर्स्ट ऑर्डर वाली हाफ लाइफ का फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि डिसइंटीग्रेशन बिना हाफ लाइफ आपका हाफ लाइफ के रेस्पेक्ट में निकालना है, तो फर्स्ट रेडियो एक्टिव जब भी आता तो फर्स्ट ऑर्डर, तो फर्स्ट ऑर्डर क्या होती है टी हाफ इक्वल टू 0.693 अपॉन के, यस ये अपन को कैलकुलेट करना है, तो ये आ जाएगा के इक्वल टू 0.693 अपॉन आ जाएगा टी हाफ, ओके तो ये आपके पास आ गया 0.693 अपॉन कितने 15 आवर्स कर दीजिए, ठीक है। अब वो ऑप्शन देखना क्यों, देखो इसके पीछे आवर्स इनवर्स है, आवर्स इनवर्स है, सेक इनवर्स है, मिनट्स, तो आप ऑप्शन देख के, क्योंकि अभी अपने आवर्स लिया, अगर आवर्स में अपना आंसर मैच हो जाता तो ठीक है, अदरवाइज आप उसको कन्वर्ट करेंगे तो इसको डिवाइड करेंगे बच्चों, तो आपका आंसर ए आ जाएगा 0.0462, यानी कि अपन को आगे कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है।
इज करेक्ट। तो बच्चों ये हमारे थे जेई और नीट एम्स के क्वेश्चंस, और इस तरह से प्रैक्टिस करते रहिएगा और हमारे वीडियो को सब्सक्राइब शेयर और वॉच करते रहिए। थैंक यू।